हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे पास एक प्रिंटर है, HP लेजर जेट प्रो AM202DW। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें जैसे आप प्रिंट देते हैं तो ये पेपर जाम हो जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइट प्रिंटिंग आ रहा है। तो इसे कैसे रिजॉल्व करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पीछे वाले ढक्कन को ओपन करना है, उसके बाद ये साइड वाले ढक्कन को ओपन करना है। आप हमारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, और ये नीचे से लॉक छुड़ाइएगा तो ये बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आगे वाले पैनल को ओपन करना है। सबसे पहले साइड से केबल निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, इसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे से लॉक छुड़ाना है, उसके बाद ऊपर से इसको लॉक छुड़ाएंगे तो ये भी फ्रंट पैनल बाहर आ जाएगा। उसके बाद साइड का पैनल को खोलना है, इसके लिए पहले पीछे से लॉक छुड़ाना है, उसके बाद नीचे से लॉक छुड़ा लेना है, और देख सकते हैं ये भी बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना सारा डस्ट भरा हुआ है। तो चलिए मैं इसमें आज यही दिखाने वाला हूँ कि आप इसको पूरी तरह से सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अभी ये सारे लॉक को छुड़ा लेना है यहाँ से, और उसके बाद इसको क्लोज करना है, और ये ऊपर का ये पैनल खोलना है। इसके अंदर दो स्क्रू रहता है, एक बाएं साइड एक दाहिने साइड, इसको ओपन कर लेना है। ये भी देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इस असेंबली को भी निकाल लेना है, उसके बाद ये इसको पीछे का पैनल को ओपन करना है। यहाँ पे स्क्रू रहता है, इसको भी दोनों ये दोनों साइड स्क्रू रहता है, ये दोनों को ओपन कर लेना है। उसके बाद ये इसके बीच में भी दो स्क्रू रहता है, इसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद इसका आप स्कैनर खोलने के लिए ये पैनल को खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको भी ओपन कर लेना है। हम देख सकते हैं ये भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये स्कैनिंग असेंबली है, इसको भी खोल लेना है। और दोस्तों अगर इसको खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं मोटर के ऊपर जो कवर लगा हुआ रहता है उसका स्क्रू को ओपन कर लीजिए, इससे ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इसे भी मैंने ओपन कर लिया, अब इसको क्लीन कर लेना है क्योंकि इसी से लाइट प्रिंटिंग का इशू आता है, तो आप इसको क्लीन कर लेना। उसके बाद देखिए हमने फ्यूजर असेंबली को खोलना है, उसके बाद इधर से आपको ये लॉजिक बोर्ड को भी ओपन कर लेना है। इसके बाद इधर से आपका सारा केबल छुड़ा लेना है। उसके बाद ये असेंबली छोटा सा है, इसको भी ओपन कर लेना है। और इसका ये तीनों स्क्रू को ओपन कर लेना है, और तीनों स्क्रू को ओपन करने के बाद आपका ये असेंबली बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा फ्यूजर यूनिट जो है उसको बाहर आ गया है। अब इसको ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा टेफ्लॉन ज़्यादा दिख रहा है। ये एक्चुअली जाम हो गया था जिसके कारण हमारा पेपर जाम इशू आ रहा था,
तो पहले इस केबल को निकाल लेना है। और इधर से ये सारे असेंबली को ओपन कर लेना है। इधर से भी ये स्प्रिंग को छुड़ा लेना है। अब देख सकते हैं ये प्रेशर रोलर है, इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेना है। इसको फिर वैसे ही लगा देना है। उसके बाद ये टैपिंग एलिमेंट के ऊपर से टैप रूम को हटाना है, तो इसके लिए ये लॉक को छुड़ाना है और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और ये टैपरून को भी क्लीन कर लेना है। और उसके बाद ये जेली आता है दोस्तों, ये सिलिकॉन ऑयल है, इसको लगाना है इस पे और इसको अच्छे से रब कर देना है। और उसके बाद ये आपको क्या करना है, टैपरून को लगाना है। और इसको इसी तरह से बैठाना है। और ये दोनों असेंबली को इस तरह से बैठा देना है। और यहाँ से भी स्प्रिंग को लगा देना है। देख सकते हैं इसको चेक कर लेना है कि टैपरून हमारा प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और इसके बाद ये ऊपर वाले असेंबली को लगाना है। और इसके बाद ये दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से बैठ जाएगा इस दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे सारे स्क्रू को टाइट कर लेना है। एक ऊपर में स्क्रू लगता है, एक ये नीचे में लगता है। उसके बाद ये वायर को लगा देना है। और इसके बाद ये सील लॉक को भी लगा देना है। ये स्क्रू को भी टाइट कर देना है। और इधर से दोस्तों ये सारे केबल को लगा देना है।
ये स्कैनिंग यूनिट को ऊपर में लगाना है और इसको भी टाइट कर देना है। ऑलमोस्ट हमारा प्रिंटर दोस्तों कंप्लीट हो ही गया है। अब ये सारे को टाइट कर लेना है। हम देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। मैं इसको प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि प्रिंट कैसा आ रहा है। अब अभी भी पेपर फंस रहा है क्या? और लाइट प्रिंटिंग इशू हमारा रिजॉल्व हुआ कि नहीं? आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा प्रिंट हमारा आया। उसके बाद ये ढक्कन को भी टाइट कर लेना है। उसके बाद ये पीछे वाले लॉक को भी, ये कवर को भी लगा देना है। और उसके बाद ये स्क्रू को टाइट कर देना है। इधर वाले भी स्क्रू को टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें।